बिपाशा आलिया सोनम के बाद अब कटरीना कैफ भी है प्रेग्नेंट। जल्दी पापा बनने वाले हैं विकी कौशल। एक बार फिर ढीले ढाले कपड़ों में एयरपोर्ट पर कटरीना को देख फैंस ने लगाए उनकी प्रेगनेंसी के कयास। लगातार कई दिन से ये अफवाहें आ रही थी कि कटरीना कैफ और विकी कौशल के घर भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। अब हाल ही में कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की खबर एक बार फिर तब चर्चा में आई जब वो बीती रात एयरपोर्ट पर ढीले ढाले कपड़ों में नजर आई। जी हाँ, कटरीना कैफ एक बार फिर एयरपोर्ट पर ढीले ढाले कपड़ों में नजर आई हैं। इस बार वो ढीले ढाले सूट में नहीं बल्कि बैगी ग्रे स्वेट शर्ट और पिंक ट्राउजर पहने नजर आ रही हैं। अपने इस लुक को एक्ट्रेस ने काले चश्मे और मैचिंग मास्क के साथ कंप्लीट किया है। हालांकि ढीले ढाले आउटफिट पहनने के बावजूद भी कटरीना फैंस से अपना बेबी बंप नहीं छिपा पाई है। इस दौरान जब वो एयरपोर्ट पर वॉक कर रही थी तभी लोगों को उनका बेबी बंप नजर आ गया। उनका एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया है तो लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है। अगर वाकई ये खबर सच हुई तो ये कटरीना कैफ के फैंस के लिए काफी बड़ी ट्रीट होगी। इससे पहले भी कटरीना एयरपोर्ट पर ढीले ढाले सूट में दिखी थी। अब बार बार कटरीना का इस तरह से लूज आउटफिट कैरी करना हर किसी को यही इशारा कर रहा है कि जरूर कोई बात है जिसे छिपाने की वो कोशिश कर रही हैं। लोग कमेंट सेक्शन में उनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये बेबी बम्प है, तो वही एक दूसरे यूजर ने कटरीना को उन्हें क्यूट मम्मी तक कह डाला। इसके अलावा अन्य कई तरह के कमेंट्स कर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। दोनों का परिवार नए मेहमान के स्वागत के लिए काफी खुश है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर से कैफ के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो कटरीना आखिरी बार अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी में दिखाई दी थी। जल्द ही वो अब फोन बूथ, मैरी क्रिसमस और टाइगर 3 में दिखाई देंगी। उनके पास फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर के साथ एक सुपर हीरो फिल्म भी है। वहीं उनके पति विकी को आखिरी बार सरदार उधम में देखा गया था। वो पहली बार सारा अली खान के साथ भी एक फिल्म में नजर आएंगे। वो सैम मानेकशॉ की बायोपिक के अलावा मेघना गुलजार के साथ फिल्म गोविंदा नाम मेरा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।